कल का ऑलरेडी फर्स्ट एपिसोड में जो दिए हम लोगों ने होमवर्क क्या दिए थे आपको देखे, पहले स्ट्रेट लाइन था, फिर आपका वेव्स था, ठीक। ये आपका हॉरिजॉन्टली था। आज आपका मैं टास्क दे रही हूँ कि आपको वर्टिकली करना है। पहले तो आपको लाइन ड्रॉ करना है वर्टिकली, क्लॉक ऊपर से नीचे और उसके बाद नीचे से ऊपर, ऐसे पूरा पेज को इससे भरना है, ठीक है। और आपको जो वेव्स बनाना है वो भी आपको ऊपर से ऐसे नीचे, फिर नीचे से ऊपर, ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आप एक साथ ऊपर से नीचे कर लिए हैं, ऊपर से नीचे कर लिए हैं, ऊपर से नीचे किए हैं, फिर आप नीचे से ऊपर ले जाइए। ये आपका हाथ का फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, फ्री होने के लिए इसका ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि ना अगर आपका हाथ फ्री नहीं होगा और आपको इस तरफ से कुछ करना है या फिर इस तरफ से कुछ करना है, तब आपका जो लाइन्स या फिर आपका ड्राइंग होगा या फिर वेव्स होगा, कर्व होगा, वो आपका लेकिन सही सिस्टम में नहीं होगा। तो आपको ये पहले कर लेना है, उसके बाद इस डायरेक्शन में करना है। चलिए आज थोड़ा ज़्यादा टास्क देते हैं। क्या टास्क है कि आपको ऐसे लेना है, कॉर्नर टू कॉर्नर लेना है। ये देखिए लाइन, आपको पहले पॉजिटिव यहाँ से इस तरफ लेना है, उसके बाद इस तरफ से लेना है, ठीक। इस तरफ से लेने से आपको क्या होगा, आपको जो नॉर्मल एक यूज़ है, आपको अपोजिट साइड से जो अब यूज़ होगा तब आपको लेकिन ये चीज़ बहुत आसान कर देगा। तो मुझे लगता है ऐसे करेंगे, इसमें भी आपको वेव करना है। वेव और आपका जो स्ट्रेट लाइन का साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि ना कोई भी फिगर आपका स्ट्रेट लाइन में होता नहीं, बहुत कम जब हम लोग ज्योमेट्री फिगर करते हैं तब स्ट्रेट लाइन में होता है, नहीं तो आपका कर्व लाइन का भी आपको यूज़ करना पड़ता है। तो हम लोग पहले क्या किए थे, स्ट्रेट लाइन किए थे, देखिए इस तरह इधर से किए थे, फिर इधर से किए थे, फिर हम लोगों ने उसी का ऑरिजेंटली हम लोग वेव्स बनाए हैं। अब हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन पहले इधर से हम लोग ऊपर से नीचे किए हैं, आप नीचे से ऊपर लिए हैं, फिर हम लोगों ने उसमें बात क्या की है कि वेव्स जो है ऊपर से नीचे लिए है और ऊपर से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ये आपको प्रैक्टिस करते रहना है। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना हैंड को फ्री करेंगे, हाथ को जितना फ्री करेंगे, उतना इजीली आप इसको ड्रॉ कर पाएंगे। उसके बाद ए टास्क के बाद आपको कॉर्नर टू कॉर्नर, इस कॉर्नर टू इस कॉर्नर, देन अगेन दिस साइड टू दिस साइड, मतलब इधर भी जाएगा, इधर भी आएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी आएगा, नहीं तो आपको फ्री हैंड होगा नहीं। इधर से जाएगा, इधर भी जाएगा, ये भी इधर से आएगा, इधर से जाएगा। ये जो एरो मार्क है ना, ये करिए, ए आपको तीन साइड का हुआ, फोर्थ साइड में आपको क्या करना है, वैसे ही आपको इधर से स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करना है और बैक से भी आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। ये हो गया आपको। अब वेव्स भी उसके साथ आपको करना है, मतलब आपको फोर डायरेक्शन कॉर्नर टू कॉर्नर कर सकते हैं। उसके बाद आपको इधर से करना है नीचे के साइड में, आप ऊपर में भी कर सकते हैं। ये एक्चुअली इस साइड से अगर हम लोग करते हैं तो बात सेम होती है, अगर ये भी करते हैं तो हम लोग का बात सेम होती है, इसलिए हम लोग उसको नहीं सिखाने के, हॉरिजॉन्टली परपेंडिकुलरली नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे और कॉर्नर टू कॉर्नर, कॉर्नर टू कॉर्नर बोथ द साइड में आप यूज़ कर सकते हैं। इधर से गया, इधर से आया, इधर से गया, इधर से आया, ये ऐसे करके पूरा पेज भर दीजिए। पूरा एक पेज बड़ा ड्राइंग बुक हो या छोटा ड्राइंग बुक हो भर दीजिए, और ये प्रैक्टिस करते रहिए। मिनिमम 8 से 10 दिन में आपका हाथ सेट हो जाएगा। ये डिपेंड करता है आप किस उम्र के इंसान हैं और आपका कॉन्सेंट्रेशन उसमें कितना है, ठीक है। आज का टास्क हो गया फिर पूरा। हम लोग डेली ये जो एपिसोड देते रहेंगे इसमें आपको पूरा परफेक्ट बना के छोड़ेंगे। अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं जो सिखा रही हूँ सही है, तो आप यू मस्ट बी वेरी सुन वेरी गुड आर्टिस्ट। ओके, थैंक यू, सेफ रहिए, बी गुड, बी हैप्पी एंड गुड नाइट।